क्या आपको पता है आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हो चुकी है? बिल्कुल, अब आप कहेंगे हाँ भाई सबको पता है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि एप्पल के नाम पे अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है। मैं आपको एक बढ़िया सी स्टोरी दिखाता हूँ, सुनाता हूँ मतलब। अब स्कैम से ज्यादा जरूरी था एक वीडियो जो कि डेफिनेटली मैं चाहता हूँ आप लोगों के सामने आए और इंटरनेट पे पड़ी रहे। मैंने कहा इसको जीटी प्लस पे थोड़ा से आराम से तसल्ली से बात कर सकते हैं। आपको क्या लगता है छोटे मोटे ब्रांड के नाम पे स्कैम चलता है? हाँ, ऐसा नहीं, जितना बड़ा ब्रांड उतना बड़ा कई बार उसके नाम पे स्कैम होता है। पहला वीडियो देखो आप। मुक्के चल रहे हैं, गालियां चल रही हैं, क्योंकि क्रोमा रिटेल वाले एप्पल केयर प्लस बेच रहे थे आईफोन 15 सीरीज बाय करने पे। मतलब आईफोन 15 सीरीज खरीदो तो एप्पल केयर प्लस लेना ही पड़ेगा, काइंड ऑफ इंश्योरेंस होता है ये एप्पल का ऑफिशियल। मैं भी कभी एप्पल केयर प्लस नहीं लेता भाई, लेकिन इस बार देख रहा हूँ इनका ग्लास व्लास भी टूट जा रहा है किसी के, तो इस बार मैंने भी ना एप्पल केयर प्लस ले लिया। लेकिन इसके लिए 15-20 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं, मतलब डिपेंड करता है कौन सा डिवाइस, अलग अलग रेट हो सकता है। लेकिन एक नॉर्मल बंदा क्यों लेगा भाई, उसकी मर्जी है ना, वो लेना चाहे चाहे ना लेना चाहे। क्रोमा वाले अलग से बेच रहे थे और पूछने पे ये लोग अच्छा बहाना बताते हैं ब्रांड की तरफ से। और एक और वीडियो है, मतलब आपने इमेजिन का एप्पल का नाम सुना होगा, यूनिकॉर्न सुना होगा, ये एप्पल के रिटेलर माने जाते हैं। वो कितना शेमफुल है, ये लोग दादागिरी करते हैं। एप्पल को भी बात पता है, लेकिन वही है सबको अपनी इज्जत प्यारी है। तो गाइस ये है इनऑर्बिट में यूनिकॉर्न प्रीमियम रिसेलर लिख के रखा है, जिनको मतलब बात करने की जरूरत तमीज नहीं है और एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं ये लोग 4,000 रुपीज कवर स्क्रीन गार्ड के। वैसे यूनिकॉर्न वालों को बात करने की थोड़ी सी तमीज कम है। लास्ट ईयर जब मैं यूनिकॉर्न हम लोग मॉल में गए थे, मॉल नहीं था मतलब मॉल में एक स्टोर होता है, तो ये लोग भाई अलग ही रोल में बात करते हैं उस दिन जिस दिन थोड़े से मतलब कोई प्रोडक्ट लॉन्च। अभी लाइव वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ ये लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या है नहीं है, आ जाओ अंदर आ जाओ दिखाता। वैसे जो मेरे पास वीडियो है पूरी अनकट है, लेकिन मैं कट लगा दूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इधर जो है 4,000 रुपए का कवर स्क्रीन गार्ड लेना मैंडेटरी कंपलसरी है। अभी वो आपको सर सही बताएंगे, सर आपको तो मालूम रहेगा ना, हम लोग एजेंसी से है सर। भाई एक सेकंड, सिर्फ कवर स्क्रीन गार्ड लेना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, कंपलसरी। बेसिकली मुद्दा ये है, आईफोन यहाँ पे जितने लोग ले रहे थे, भीड़ कितनी आप देख रहे हो ना, ये लोग साथ में टेम्पर्ड ग्लास और कवर कंपलसरी बोल के बेच रहे थे, तो इनका पेट नहीं भरा प्रॉफिट से, तो इन्होंने सोचा थोड़ा स्कैम किया जाए। इन्होंने क्या किया, एप्पल का नाम लेके ये कह दिया कि एप्पल का कहना है टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर लेना है। कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है कि कवर स्क्रीन गार्ड कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कांच का टुकड़ा है जो अगर कम से कम भी 1,000 रुपए का मिल जाना चाहिए, वो ये लोग 4,000 रुपए में दे रहे। ये है उनका, बोलते हैं 4,200 रुपए का कवर स्क्रीन गार्ड, ये मामूली कवर स्क्रीन गार्ड 4,200 रुपए का। मैंने इधर पे क्लियरली लिखा है 15 प्रो मैक्स 22nd को सुबह 8 बजे 24 पीस। थोड़ी सी गलती इनकी भी है, इतने सारे यूनिट एक यूजर को चाहिए ही नहीं होते। और दूसरी बात, यूनिकॉर्न वालों ने बेचने के लालच में बुक कर क्यों लिया, बुकिंग ले क्यों ली, यहाँ गलती भी यूनिकॉर्न वाले की है। मैं जाके कल को 100 पीस बुक कर दूं, मेरी मर्जी। एक्चुअली मॉल में ना प्रीमियम चीजें होती है ना, तो स्कैम भी प्रीमियम है। वैसे ये प्रॉपरली स्कैम नहीं है, क्योंकि आपको पैसा लेके प्रोडक्ट दिया जा रहा है, काइंड ऑफ स्कैम का पार्ट है, फ्रॉड कह सकते हैं इसको। 4,000 रुपए स्क्रीन गार्ड का ले रहे, कांच के टुकड़े का, ये क्या वाजिब है? 500 ले लो, 1,000 ले लो, 4,000 क्यों ले रहे मतलब ये लोग? और बिल पे ऐड भी नहीं किए पहले 4,000 रुपए। आप भी उस टाइम थे जब मैं प्री बुकिंग कर रहा था। चलो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं प्री बुकिंग कर रहा था उस टाइम आप थे राइट, जब इन्होंने बोला था हाँ पीस मिल जाएगा, आपको याद रहेगा, मुझे याद है जब इन्होंने क्या बोला था, पीस मिल जाएगा ऐसा बोला था इन्होंने, याद है आपको? बड़ा एप्पल से कमाया ना सर, हम लोग कुछ ये तो मेरा कंसर्न है, उन्होंने कमिटमेंट किया कि नहीं? यस यस नो, आप बोले मुझे उन्होंने कमिटमेंट किए थे कि नहीं सर? वो एप्पल से कमाया हुआ, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारे एंड से नहीं किया, हमने अजय भाई रखे हुए, आपको नहीं दिया, मुझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था ना। तो हम बाकी का जो नहीं आ रहे आप वेट कर सकते हैं, हम वेट नहीं कर सकते, आप रिफंड ले लो बाकी। नहीं रिफंड का जैसा, रिफंड का अभी आप लोग 21 दिन बोले, अभी मैंने पूछा 21 दिन, सुनो स्टॉक नहीं, आप बंद करिए, मुझे सिक्योरिटी गार्ड आप प्लीज बुलाइए ना, प्लीज बुलाइए, वो भी शूट होगा। बंदा अगर आप किसी को बुला लो सब शूट करूंगा। अगर के तरफ से अगर स्टॉक नहीं आ रहा है, हम आपको टाइमलाइन दे रहे हैं 28। 4,000 रुपए स्क्रीन गार्ड का क्यों ले रहे? वो कंपलसरी है, क्यों बिल पे तो लिखा नहीं था आपने? 4,000 रुपए का वो स्क्रीन गार्ड का पैसा ले रहे हो, वो मैंडेट है, वो क्यों बिल्कुल खुलेआम कह रहा है कि वो जरूरी है, कंपलसरी है, सारे कस्टमर को दिया जा रहा है, यानी कि सबको चूना लगाया गया है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो ऑन कैमरा आपको पहली बार दिख रहा है, ये चीजें करी जाती हैं बहुत से स्टोर में करी जाती हैं। इनफैक्ट ये लोग क्या करते हैं जानते हैं? अभी मैंने ऑफलाइन में देखा, यहाँ पर लोग कई यूट्यूबर्स हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, क्योंकि उनको वीडियो बनानी थी जल्दी, उन लोगों से स्टॉक देने के चक्कर में शॉप वालों ने ज्यादा पैसा लिया, तो उनको ऐसे चूना दिया जा रहा है। चलो वो तो मतलब ऐसा चूना है कि भाई आप खुद ही लेना गए थे, वो तो चलो अपनी मर्जी के ऊपर है, लेकिन ये जो यूनिकॉर्न वाले कर रहे हैं या फिर जो क्रोमा वालों ने किया, खुलेआम मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, बट वो सब में नाम किसका लगाया जा रहा है कि एप्पल ने करवाया है ये। और एप्पल इंडिया से कोई भी वीडियो देख रहा है ना, और अगर आपने कोई भी स्टेप नहीं लिया, इसका मतलब एप्पल
ने ही करवाया होगा, बट मुझे पता है एप्पल टिम कुक तो आएंगे नहीं ये करवाने। लेकिन इस बीच में कौन मिला, एप्पल इंडिया से कोई मिला हुआ ये हरकत करने में कमीशन की वजह से, कि यूनिकॉर्न वाले मिले हैं, क्रोमा वाले मिले हैं, किसी ने तो किया है, कहीं से तो ये प्लानिंग बनी है फ्रॉड करने की। एप्पल क्या स्टेप लेता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसी हरकतें हुई थी, इस बार और ज्यादा हुई है नेक्स्ट लेवल पे, ये लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, मैं जानना चाहूंगा। और दूसरी बात, अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की चीजें हरकतें करें, वीडियो रिकॉर्ड करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, सोशल मीडिया काफी बड़ा हथियार इस टाइम, ट्विटर पे टैग करिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि ये चीजें कंट्रोल हो जाएं। तो बस यही शेयर करना था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।